सभी का शाम के 5 बजने वाले हैं। 5 के प्रहार में आप सभी का मैं प्रियंका राय स्वागत करती हूं। आज का मुद्दा है बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम रोक, गुनहगारों पर इंसाफ के नाम पर बुलेट की रफ्तार से दौड़ रहे सरकार के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक रहेगी, यानी अगले 2 हफ्तों तक देश में बुलडोजर इंसाफ पर पाबंदी है। अदालत ने अपने निर्देश में यह भी स्पष्ट किया है कि सड़कों, फुटपाथों पर, रेलवे लाइंस पर या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण अगर किया गया है तो उन पर कार्रवाई पहले की तरह ही जारी रहेगी, लेकिन दोषियों पर बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक रहेगी। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम रोक। उचित कानूनी प्रक्रिया के पालन पर हो जोर। न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। बुलडोजर तो एक ही चर्चा का विषय बना दी है क्या? ये बुलडोजर जेसीबी वही चली है जहां अपराधियों ने अनैतिक तरीके से या तो कब्जे किए हैं या कुछ नुकसान किया है। बुलडोजर कार्रवाई रोकने से नहीं गिरेगा आसमान। बुलडोजर एक्शन के नाम पर घर तोड़ने के कार्य किए जा रहे थे, इस पर रोक लगा करके इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि यह समस्त कार्रवाई इल्लीगल थी, अवैध थी और कानून के विपरीत जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा की जा रही थी। बिना इजाजत नहीं ले एक्शन, जल्द तय होगी गाइडलाइन। बुलडोजर जस्टिस के महिमा मंडन का क्या तुक? 1 अक्टूबर तक बुलडोजर पर सबसे बड़ी अदालत की रोक। तो बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक है और इसी पर करेंगे एक खास चर्चा। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। भरत मेघवाल प्रवक्ता कांग्रेस के। मिथुल जैन अधिवक्ता हैं, हाईकोर्ट जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत सुरेश गर्ग जी आपसे करते हुए, क्योंकि सरकार बड़ी तारीफ करती थी कि कोई भी अपराधी होता उसे छोड़ते नहीं, बुलडोजर एक्शन लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दिया। क्या लगता है सही कार्रवाई की जाती थी आप लोगों की ओर से? देखिए प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमने बुलडोजर एक्शन लिए उनको जायज ठहराया है। हमने कोई भी बिल्डर गलत जगह पे बुलडोजर नहीं चलाया है, जहां जहां भी अवैध अतिक्रमण थे उन पर बुलडोजर चलाया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कानून के विपरीत आप नहीं जाएं। म्युनिसिपल एक्ट के अंतर्गत जितने भी अवैध निर्माण थे उनको हटाए गए हैं। और फिर आप देखिए प्रियंका जी, जितने भी एक्टिविस्ट जिनके घरों में बुलडोजर चले, जिनके यहां से अतिक्रमण हटाए, एक भी कोर्ट नहीं गया है। उसमें से एक व्यक्ति, उनको भी पता था कि अवैध निर्माण है। तो उदयपुर में जो हुआ चाकूबाजी मामले पर बुलडोजर चला उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद टिप्पणी की, कहा कि ये गलत है। बेटा कोई गलती करता है तो बाप को या घर वालों को सजा थोड़ी ना दे सकते हैं आप। प्रियंका जी बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर मान लो कोई अपराधी है तो अपराधी के ऊपर आप बिल्डर नहीं चला सकते जब तक हमारा निर्णय होगा। हमने बिल्डर उस अपराधी के यहाँ जिसने अवैध निर्माण हुआ है, अवैध अतिक्रमण किया है, या उसने सड़क के बीच में निर्माण किया है या फुटपाथ में निर्माण किया है या फुटपाथ को घर में कवर करते हुए क्या उन पर बुलडोजर चलाया है। इसी तरीके की कार्रवाई को गलत बताया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं कहता कि आप अवैध निर्माण को ही ध्वस्त नहीं कर रहे हैं, बाकी चीजों को भी ध्वस्त कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि अगर कोई आरोपी पाया जाता है, एक भी केस बता दीजिए प्रियंका जी, एक भी केस बता दीजिए अवैध निर्माण के अलावा कोई भी हमने बुलडोजर चलाया हो तो। अवैध निर्माण पर ही चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है बुलडोजर चलाया। अवैध निर्माण भले ही हो पर इस तरीके से आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। भरत मेघवाल जी आपके पास आते हुए, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी को? क्या है स्टैंड कांग्रेस का इस पर? नहीं, देखिए कांग्रेस का स्टैंड तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने भी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी कहा था कि इस तरह की जो कार्रवाई है, इस कार्रवाई को कभी भी कांग्रेस पार्टी
एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि संविधान के ऊपर जाकर और कानून के ऊपर जाकर अगर भारतीय जनता पार्टी तानाशाही प्रवृत्ति अपनाएगी तो उसे कभी नहीं माना जाएगा। कार्यपालिका कभी न्यायपालिका से ऊपर नहीं हो सकती, पहली चीज। प्रियंका जी, अभी आपके चैनल पर हम विजुअल देख रहे थे, उस विजुअल में हमने देखा कि बुलडोजर जिस मकान को तोड़ रहा था उस मकान से बगल के मकान उससे 4 फीट 5 फीट आगे थे, लेकिन मकान सिर्फ एक व्यक्ति का तोड़ा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी जो सड़क पर न्याय देने की बात कहकर कानून से ऊपर उठकर तानाशाही प्रवृत्ति अपना रही थी, उसे आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। आप ये देखिए कि इस देश के अंदर कानून है, अगर किसी ने अतिक्रमण किया है तो उसको पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मौका मिलता है, उसको नोटिस दिया जाता है और नोटिस देने के बाद उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन हमने देखा अधिकांश जगह, चाहे उदयपुर का मामला ले लीजिए, चाहे भरतपुर को ले लीजिए या अन्य कहीं पे प्रकरण पे आप देख लीजिए, अंधाधुंध बुलडोजर चला दिया जाता है। ये एक मानवता के साथ अपराध है। उस परिवार में जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति अपराधी हो, उस परिवार के किसी पिता ने, किसी माता ने, किसी भाई ने अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत से उस मकान को बनाया। बेचारे न्यायपालिका में गए, मध्य प्रदेश राजस्थान में अधिकांश से गए न्यायपालिका के अंदर, पूछ लीजिए न्यायपालिका में कौन है। कब जाएंगे ना, जब मौका मिलेगा सुरेश गर्ग जी। जैसे कोई अपराध करता है अगले दिन बुलडोजर चल जाता है या उसी दिन भी चल जाता है, मौका कहाँ मिलता है। अरे भाई, आप लोगों ने एक समाज के लिए मुझे बता दीजिए, जिनके भी अवैध निर्माण में उनमें से एक व्यक्ति गया तो एक समाज विशेष के लोग जा रहे हैं, उसको साफ कर दो। प्रोटेक्शन देने की बात करो, उस तरह से प्रोटेक्शन देने की बात करो, इस तरह से अच्छी बात नहीं है। आपने भी यहाँ पे जब आपकी सरकार थी, गुजर की धड़ी पे बुलडोजर चलाया था, क्यों चलाया था, जवाब दीजिए। उसमें गुजर की धड़ी पे बुलडोजर कैसे चलाया था, किराएदार के ऊपर बुलडोजर चला दिया था, जो वो जवाब दे रहे वो सरकार था उसके ऊपर भी नहीं था वो। सुनिए गर्ग साहब, सुनिए, जिसके ऊपर बुलडोजर चलाया था उसको 3 बार नोटिस दिया, तो नोटिस जयपुर जयपुर की जो दिया है, हर जगह नोटिस दिए हैं। 2022 के अंदर भी नोटिस दिए हैं, एक नोटिस के खिलाफ कार्रवाई हुई है। 2022 के अंदर नोटिस दिए उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। हर जगह पहले नोटिस दिया जाता है, इसके बाद तोड़ा जाता है। आप भी नगर निगम के अंदर पास है तो आपको भी पता होना चाहिए, बिना नोटिस के तोड़ा नहीं जा सकता, नहीं तो वो इस तरह आ सकता है। ऐसा नहीं होता है, पहले नोटिस दिया जाता है, इसके बाद तोड़ा जाता है। अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाईकोर्ट के, उनसे जान लेते हैं कि क्या कहता है कानून। मितुल जैन जी, क्योंकि सरकार कहती है कि हम तो अपने तरीके से ठीक है, अवैध निर्माण है, हम पहले उसके लेकर नोटिस जारी करते हैं और उसके बाद कार्रवाई करते हैं, आखिर कहां है गलत? सुप्रीम कोर्ट ने आखिर ऐसा फैसला क्यों सुनाया है? जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है, जिसमें उन्होंने अभी फिलहाल 1 अक्टूबर तक के लिए बुलडोजर के ऊपर रोक लगाई है, उसके पीछे जो मुख्य कारण रहा वो ये रहा कि कहीं ना कहीं कुछ जो डिमोलिशंस हुए हैं वो इलीगल हुए। जैसे कि अगर मैं अभी उदयपुर का एक एग्जांपल लूँ, तो उसमें जो आरोपी था वो एक्चुअल में किराएदार का पुत्र था, लेकिन जो घर गिराया गया है वो मकान मालिक का है। तो इस स्थिति को देखते हुए, और ये जो सिचुएशन थी ये अक्रॉस इंडिया काफ़ी प्रदेशों में हो रही थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, तो इस वजह से एक 2022 में कुछ पिटिशनर्स के द्वारा पिटिशन दायर की गई, जिसमें उनकी जो मेन प्रेयर है, जो मेन जो अनुतोष कोर्ट से मांग रहे हैं, वो ये है कि एक नेशन वाइड गाइडलाइंस जारी करी जाएं। और नेशन वाइड गाइडलाइंस इसलिए जारी करी जाएं जिससे कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी मनमर्जी को ख़त्म किया जा सके और एक तरीके से एक कानून के तहत ये कार्रवाई को अमल में लाया जा सके। तो पिछली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटिशनर थे जमियत ए उलेमा हिंद, उनसे कुछ सजेशंस भी मांगे थे, और जमियत ए उलेमा ने जो सजेशंस दिए हैं वो, उनमें जो मेजर जो सजेशंस हैं वो यही हैं कि एक तो कारण बताओ नोटिस दिया जाए, और उस कारण बताओ नोटिस में कम से कम 45 से 60 दिन का समय दिया जाए, उसके बाद फिर डिमोलिशन किया जाए, उसके बाद भी अगर डिमोलिशन इलीगल है तो एक कॉम्पनसेशन कमिश्नर बनाया जाए, जो कि डिसाइड कर सके कि अगर जो कार्रवाई है वो गलत की गई है तो उसको कितना मुआवजा देना है। क्योंकि अभी तक ये हो रहा है कि मुआवजे जो हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, जो विक्टिम है जिसका घर टूटता है उसको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 तारीख तक के लिए इस पर रोक लगाई। मुआवजे की चूंकि बात हो रही है, तो जैसे ही कोई अपराध होता है
तुरंत उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हो जाता है। अगर बाद में वो अपराधी नहीं पाया जाता है तो क्या इसे लेकर भी मुआवजा दिया जा सकता है? कोई प्रावधान है क्या इसे लेकर? मितुल जी, जी जी बिल्कुल, इस सिचुएशन में क्या कहते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता जो है उसमें प्रावधान है कि कॉम्पनसेशन आप मांग सकते हैं स्टेट से। हालांकि बहुत कम ऐसा होता है क्योंकि अपील का प्रोविजन है जी। तो अगर मान के चलिए नीचे से कोई किसी आरोपी को बरी भी कर दिया जाता है तो अपील का प्रोविजन है हाईकोर्ट में और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता खुला हुआ है। तो ये प्रोविजन तो है सीआरपीसी में भी, लेकिन इसका जिसे हम कहें कि जमीनी स्तर पर इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी बहुत कम है। बिल्कुल, तो कई सारे प्रावधान हैं, कई सारे ऐसे नियम कायदे हैं जिसमें अगर आपके घर को तोड़ भी दिया गया है और गलत कार्रवाई की गई है, आपको लगता है कि ठीक नहीं हुआ आपके साथ, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं इसके खिलाफ। डॉक्टर मिथिलेश जामनी जी, आपके पास आते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक और बीजेपी कह रही है कि हम ठीक कार्रवाई करते हैं, हम तो नोटिस भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक व्यक्ति की सजा पूरे घर परिवार को नहीं दे सकते आप। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जिस देश में 180,000 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लंबित हो मानहानि के, यानी न्यायालय के फैसले होने से कुछ नहीं होता, 180,000 तो न्यायालय के फैसलों की अब मानना नहीं हो रही, उनको पाना माना नहीं जा रहा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को भी एग्जीक्यूटिव में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। इन्होंने एक फैसला दिया था पिछले दिनों कि जो कावड़िया आ रहे हैं वो नाम लिखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन राज का दंड, राज का डर इतना होता है कि सबने नाम लिखे। अभी इन्होंने फैसला दे दिया कि साहब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, रहेंगे तो ये नहीं करेंगे, उन्होंने दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट डाल डाल है तो न्याय तोड़ने वाले पात पात है। अब आपने तीन लेकुना दिए कि फुटपाथ, सड़क पर निर्माण और रेलवे की जमीन और अवैध जमीन, तो राज के पास तो सब कुछ है। राज ऑर्डर निकाल देगा सड़क चोरी करनी है तो चोरी हो जाएगी, क्या कर लेगा सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट भी बेवजह की ये एग्जीक्यूशन में दखल देना बंद करे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। 180,000 मुकदमे जिनमें कोर्ट के फैसले हैं वो कोर्ट की अवमानना झेल रहे हैं, तो आप केवल फैसले देके वाहवाही लूट रहे हैं। आप देखिए, इस देश का अपराध में नहीं बचाएंगे तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा ये देश? जब इस देश में तिरंगे के ऊपर जेहादी नारे लिखे जा रहे हैं तो उस मुल्क को कई नेता कह रहे हैं बांग्लादेश बना देंगे, कोई देश के बाहर जाकर बयान दे रहा है। ऐसी स्थिति में अगर आप स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे तो ये देश कैसे चलेगा? इस देश को चलाना भी तो जरूरी है। फैसला आया है फिलहाल, अभी इस पर सुनवाई भी जारी रहेगी, गाइडलाइंस भी बनाए जाएंगे। देखिए, कुछ लोगों ने पिटीशन डाले थे और उनका कहना है कि किसी एक पर्टिकुलर समाज को चिन्हित किया जा रहा है और जैसे ही कोई अपराध होता है तुरंत एक्शन लिया जाता है, कम से कम उस पर तो अब रोक लगेगी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका घर परिवार उजड़ जाता है इसके बाद, तो ये तो मामला गंभीर है। प्रियंका जी, ये जो कांग्रेस मगरमच्छी आंसू बहा रही है, जब भूपेंद्र सारण का मकान तोड़ा गया था तब क्या हुआ था जी? जब गुजर की थड़ी पर तोड़ा गया था तब क्या हुआ था? आप करो तो रासलीला और करे तो करेक्टर ढीला, ऐसा थोड़ी चलेगा। इस मुल्क को चलाने के लिए अगर कोई आतंकी सोच रखता है, अगर कोई इस मुल्क के खिलाफ देशद्रोह की सोच रखता है तो उसके लिए दंडी है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि राज चलाने के लिए दंड का भय जरूरी है। अगर आप उस दंड के भय को वोटों के कारण खत्म करना चाहते हो तो खत्म कर दो, फिर डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। क्या कह रहे हैं मिथिलेश जैमिनी जी कि आप लोग तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, और जब आप लोगों की सरकार थी तब भी तो इस तरीके के कार्रवाई किए गए ना, तो अब सवाल उठा रहे हैं आप लोग। मैं पहले नोटिसों का क्या होता है, तोड़े ना आपने। पहले क्लियर कर दूं, गुजर की थड़ी पे जो कार्रवाई हुई थी, गुजर की थड़ी पे जो कार्रवाई हुई थी वो कार्रवाई एक दिन में नहीं हुई थी, उसके लिए पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो थी और जेडीए का कोर्ट था, उस कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद जब कोर्ट ने वहां से अनुमान दिया परमिशन, उसके बाद कार्रवाई। भूपेंद्र सारण का मकान तोड़ा जब कौन से परमिशन लिया? सरकार कोई भी हो, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी कोर्ट की अवहेलना करते हुए विदेश में चले गए, उसी तरीके से कोर्ट की अवहेलना करते हुए आप मन मर्जी आप बुलडोजर जब इस तरीके की कार्रवाई आपकी सरकार में की गई, तब कौन सा आप लोगों ने नियम कायदा फॉलो किया? प्रियंका जी, मैं एक उदाहरण देता हूँ, प्रियंका जी मैं एक उदाहरण देता हूँ। नगर निगम वार्ड नंबर 72 सर्विस लेन के अंदर एक हाजरी गाह बन रहा था, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है,
नगर निगम को बार बार शिकायतें करके कह दिया था, लेकिन उस सर्विस लेन में अवैध निर्माण हो रहा था। माननीय कोर्ट के अधीन जब गए लोग तो वहां से कोर्ट से स्टे मिला, तब जाकर वो चीज रुकी। इस पूरे जयपुर के अंदर अवैध निर्माण हो रहे हैं, कितने निर्माणों को आपने तोड़ दिया? आप तोड़िए, मैं पूछता हूं कि देश के अंदर कन्हैया लाल हत्याकांड के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकी थी ना? कन्हैया लाल राजनीतिक हत्याकांड के अंदर राजनीतिक रोटियां सेकी थी? कन्हैया लाल के अंदर 2 साल के अंदर कितने अपराधियों को आपने सजा दिला दी? अपराधी छूटते जा रहे हैं, और इस 9 महीने के अंदर जोधपुर के अंदर कितने बच्चों के सवाल तो उठे ही ना। आप कह रहे हैं कि जो अतिक्रमण होता है उसे ही तो गिराते हैं, आप बता दीजिए। लेकिन जैसे ही उदयपुर में चाकूबाजी की घटना घटी, तुरंत उसके घर पर बुलडोजर चल गया। कोटा में जैसे ही क्राइम हुआ, तुरंत एक्शन ले लिया गया। पहले क्यों नहीं लेते ऐसे एक्शन? अतिक्रमण एक जगह पर थोड़ी ना है। अगर अपराधियों को एक एक कर चिन्हित करेंगे, उनके घर को तोड़ेंगे, तो सवाल तो उठेंगे ना कि क्या वाकई सिर्फ अतिक्रमण को देखते हुए इस तरीके की कार्रवाइयां की जा रही हैं? प्रियंका जी, अपराधियों में भय व्याप्त तो होना बहुत जरूरी है। अगर उनमें भय नहीं होगा तो वो अपराध करते जाएंगे, अपराध करते जाएंगे। लेकिन मुझे ये बता दीजिए प्रियंका जी, मुझे ये बता दीजिए, एक भी जिसके मकान में अति बुलडोजर चलाया उसमें से एक भी व्यक्ति को? अरे तो यही तो सवाल है ना, उनको पता था कि अवैध निर्माण है। सुरेश गर्ग जी, यही तो सवाल है, क्यों मतलब कोर्ट भी ये कह रही है कि अवैध अतिक्रमण है, उनको हटाइए। प्रियंका जी, कोर्ट भी ये कह रही है कि अवैध अतिक्रमण को हटाइए, तो हम वही तो कार्रवाई कर रहे हैं ना, हम वही तो कार्रवाई करते हैं। इंतजार करते हैं क्या कि पहले कोई क्राइम करेगा, करने के लिए पहले मर्डर कर दे, उसके बाद उसके घर को तोड़ देंगे, अतिक्रमण पाया जाता है, उसके बाद अतिक्रमण हटता है। प्रियंका जी देखिए, मेरी बात सुनिए, कोर्ट ने जो बोला है, कोर्ट ने ये बोला है कि साहब अगर अपराधी तो उसके मकान को गिराओगे नहीं, ठीक है गिराएंगे नहीं हम उसमें से, अगर उसने अतिक्रमण कर रखा तो उसको तो गिराने के लिए कोर्ट ने रोक नहीं लगाई ना। अगर उसने अतिक्रमण कर रखा तो उसमें तो कोर्ट ने नहीं लगाई, तो इसमें क्यों कांग्रेस परेशान हो रही है? रोड के लिए कांग्रेस परेशान हो रही है, ये क्यों तुष्टीकरण करते हैं? तुष्टीकरण क्यों करते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जहाँ देखो वहाँ तुष्टीकरण लेके आ जाते हैं। ये कहा है आप कुछ जगहों को जरूर छोड़ा, अगर वहाँ पर अतिक्रमण माना जाता है तो आप गिरा सकते हैं उसे। सनातन धर्म को भी प्यार करो आप लोग, क्यों नहीं करते हो सनातन धर्म से प्यार? एक विशेष समुदाय से प्यार करने का अलावा कोई काम नहीं आप लोगों का। विशेष को देख कर करते हैं, कौन करता है? महीने के अंदर राजस्थान करते हैं, घटनाक्रम हो गए, किसने कह दिया? कोई जो भी अतिक्रमण है उसको सबको गिराया गया, इसमें कोई विशेष समुदाय का कोई नहीं है, किसी भी तरीके का नहीं है। लेकिन आपको जब विशेष समुदाय पे दर्द होता है तब आते हो आप लोग, ऐसा क्यों करते हो आप लोग? हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हो आप लोग, हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हो आप लोग। थाना क्यों बना हुआ है? फिर बंद कर दीजिए सारे, कर रहे हैं ना, वही तो काम कर रहे हैं, अपराधियों को दहेज पे व्याप्त कर रहे हैं ना। आपको दर्द क्यों हो रहा है इस देश के अंदर? प्रियंका जी मुझे ये समझ में नहीं आया, कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है? अगर अतिक्रमण से दहेज आते तो क्यों दर्द हो रहा है इन लोगों को? इनकी सह मिली है, इनकी सह मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो इसे लेकर गलत माना है, आपके मंत्री जाकर थाने में एसपी को धमकाते हैं। देखो प्रियंका जी, फिर आप सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसको आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सीधी सीधी लिखी हुई है, अवैध अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाए, उसमें कहीं पे भी रोक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है उसका प्रोसेस वही तो कर रहे हैं ना, हाँ तो नोटिस दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा नोटिस दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की पूरी टिप्पणी सुनिए ना सुरेश गर्ग जी, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? प्रियंका जी आप लोग ये जो एक्शन ले रहे हैं उसी पर तो रोक लगाने के लिए कहा गया, उदयपुर में कौन सा 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दिया गया, दिया है उन्होंने नोटिस। अच्छा सुबह नोटिस दिया, प्रियंका जी तोड़ दिया, पहले से नोटिस दिया हुआ है हर व्यक्ति को, भैया नोटिस दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं नोटिस दिया है आप लोगों ने, आज क्राइम होता है आज ही कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन ले लिया जाता है, कुछ जगहों पर अगले दिन। मिथुन जैन जी अधिवक्ता है, वो बता रहे हैं कि कितने दिनों का वहां पर नोटिस दिया जाना चाहिए। मिथुन जैन जी और क्या कहता है लॉ से लेकर? अरे प्रियंका जी कोर्ट क्यों नहीं जाते फिर वो अतिक्रमणी, क्यों नहीं जाते कोर्ट? पूछ लीजिए इनसे, कांग्रेस के खिलाफ है कोर्ट क्यों नहीं जाते? नियम कायदा कहता क्या है आखिर? मिथुन जैन जी, प्रियंका जी इसमें क्या है कि हर स्टेट के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जनरली जो डिमोलिशन होता है वो जनरली 2 से 3 नोटिसेस के बाद होता है, कभी भी पहले नोटिस पर नहीं होता है, और उसमें भी 45 से 60 दिन का समय दिया जाता है।
उसके बावजूद ये मौका भी दिया जाता है कि अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है या आपका जो मकान का कुछ हिस्सा अगर रोड पर आ रहा है तो उसको किसी तरीके से सिर्फ उस हिस्से को तोड़ के आप बाकी मकान को बचा लें। लेकिन यहां पर जो हो रहा था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। यहां पर जो सिचुएशन हो रही थी कि कोई भी अक्यूज्ड है, कोई भी आरोपी है, उसकी जो भी अगर कोई इलीगल कोई जमीन है या मकान है जिसमें वो रहता है वहां पर डिमोलिशन ड्राइव की गई। तो ये थोड़ा जो है ये कानून के विरुद्ध है, क्योंकि मैं यहां पर संविधान की भी बात करना चाहूंगा। आर्टिकल 300A जो है वो हर व्यक्ति को राइट टू प्रॉपर्टी देता है, ठीक है, और उसके अंदर निहित है कि कानून के अंतर्गत ही आप उस राइट को छीन सकते हैं। मतलब जो कानून के प्रावधान है उसी के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं और फिर उस राइट के ऊपर आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था कि जो प्रशासन थे वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकलता था जिसमें कई बार नोटिस जो है उसकी तामील भी नहीं होती थी, नोटिस जो है विक्टिम को पहुंचता भी नहीं था और मकान जो है या दुकान जो है वो धराशायी हो जाती। ऐसा भी देखा गया है कि मान के चलिए दो या तीन मकान एक साथ हैं और जो तंग गलियों में जो मकान होते हैं उनकी क्या है बाउंड्री वॉल्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो मकान आप तोड़ने गए किसी एक का लेकिन आप तोड़ा है दो और तीन को, मतलब नुकसान दो और तीन मकान को भी हो गया। तो ये कई सारे इश्यूज थे, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कि अगर कुछ लोग हमें देख रहे हैं जिनके साथ इस तरीके की कार्रवाई की गई है, सिर्फ एक बार नोटिस दी जाती है मात्र फॉर्मेलिटी के लिए, तो उनके पास क्या है अब ऑप्शंस, क्या कर सकते हैं वो कि उनको मुआवजा मिल सके? जी अभी तो जी अभी तो जैसे कि जो नगर निकाय होते हैं उन्हीं में आपके पास रेमेडी है। तो जैसे कि अगर मैं जयपुर की बात करूं तो जैसे जेडीए का अगर कोई ऑर्डर है तो जेडीए कोर्ट में जा सकते हैं या फिर आप रिट में हाई कोर्ट में आ सकते हैं। तो अभी ये जो गाइडलाइंस हैं ये अभी गाइडलाइंस दी हुई हैं, अभी इनका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है वो देखना पड़ेगा। और अभी सिर्फ स्टे किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी नहीं करी हैं, सिर्फ सजेशंस मांगे थे जमीयत उलेमा ने, सिर्फ सजेशंस दिए हैं। तो अगली तारीख पर या उसके बाद जब भी फाइनल जब जजमेंट आएगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है उसके अनुरूप फिर कार्रवाई की जाएगी। तो और अभी फाइनल जो स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, फाइनल जो फैसला है उसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे लेकर एक गाइडलाइंस तय की जाएगी और उसी के अनुसार सभी को चलना होगा। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, चूंकि वक्त की कमी, एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट आपसे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देश में अपराध मुक्त होना चाहिए और अपराधियों में भय पैदा करने के लिए कई बार आपको सख्ती दिखानी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट को भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि ये मुल्क जब ही बचेगा जब आतंकी और जिहादी सोच रखने वालों का पूरा ट्रीटमेंट हो, और उनका अगर ट्रीटमेंट लूज कर दिया गया तो न सुप्रीम कोर्ट बचेगा न हम बचेंगे। जैसे हालात बांग्लादेश के हैं, जो कांग्रेस के कई नेता कहते हैं उनकी साजिश अगर कामयाब हो गई, मुल्क के बाहर जो जाके बयान दे रहे हैं वो चिंताजनक है, जिस तरीके से रेलवे ट्रैकों पर जो मिल रहा है, तो ये सोचने का विषय है इस मुल्क के लिए और सुप्रीम कोर्ट को भी यही सोचना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी रखे हुए ये कह चुका है कि इसे लेकर गाइडलाइंस तय किए जाएंगे, अब इंतजार है बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले का। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर आने के लिए। तो इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।